Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 की। तो देखो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स। अब देखो 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, और बाकी के जो अदर कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 48 जो होते हैं वो अदर कार्ड्स होते हैं, 48 जो होते हैं अदर कार्ड्स होते हैं, राइट। अब आपको कहा जा रहा है हमें टोटल कार्ड सेट करने हैं 5, और हर कॉम्बिनेशन में ये जो 5 कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है हर कॉम्बिनेशन में एक किंग होना चाहिए। तो 4 किंग में से एक किंग कैसे मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, 4c1 वेज में। बाकी के जो 4 कार्ड है आउट ऑफ द 48 कार्ड्स हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 48c4 वेज में, 48c4 वेज में, 48c4 वेज में। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन क्या होगी, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 किंग, तो इट इज इक्वल टू 4c1, 4c1। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 अदर कार्ड्स, 4 अदर कार्ड्स, सो इट विल बी इक्वल टू 48c4। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 4c1 इंटू 48c4, 4c1 इंटू 48c4, इज इट क्लियर। 4c1 क्या हो जाएगा, देखो अगर बेस में 1 हो, अगर r की वैल्यू 1 हो तो जो वैल्यू आती है जो फाइनल आंसर होता है वही होता है जो n होता है, यानी कि ये तो होगा आपका 4, 4c1 इज इक्वल टू 4, और 48c4 का मतलब 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4, 44 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 48, 47, 46, 45, कहां तक एक्सपेंड करेंगे, 44 फैक्टोरियल तक, 4 फैक्टोरियल हो गया 24, इंटू में हो गया 44 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो गया 44 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 24 टू जा क्या हो जाएगा 48। आपका आंसर यहां तक कंप्लीट है, फिर भी जो आपका आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते तो आएगा 778320, 778320, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share, and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं lecture upload करूँगा, you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके maths course की बात है, complete mathematics course की जो playlist का link है, वो आपको description section में मिल जाएगा. So bye, take care, and have a great day.